दोस्तों प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पक्षियों को देखकर कई बार मन करता है कि चलो इनको एक बार हाथ में पकड़ के देखते हैं, कैच करते हैं किसे, तो वही आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। इनके लिए कोई हानि ये हो, देखो कई बार पक्षी इसके ऊपर आके बैठते हैं तो वो अपने आप गिर जाती है। इस बार मैं थोड़ा दूर लगाता हूँ इसको, तो कई बार मन करता है हाथ में पकड़ने का, तो इस बार ऐसा किया। देखो ये पक्षी है, अंदर जाने वाला था वो गिर गया, उड़ गया, लेकिन स्लो मोशन में देखो इसको कितनी चतुराई से पक्षी बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं अब ये देखो, हाँ, लेकिन मैं आपको आज एक पक्षी पकड़ के बताऊंगा, थोड़ा सा नज़दीकी से फिल्माऊंगा उसको, और फिर आपके सामने ही उसको वापस छोड़ूंगा। वो सारा वीडियो इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो देखना। कई बार तो ऐसा होता है इसके अंदर आने के बाद भी जब पकड़ते हैं ना, वहाँ बड़ी चतुराई चाहिए, तो निकल जाते हैं। चलो देखते हैं और बारीकी से ध्यान बनाए रखते हैं कि कब इसके अंदर कुछ ये चिड़ियाँ, ये बुलबुल, ये पक्षी आए। एक बुलबुल को जो मैं इसमें कैच करूँगा, कई आ जाएंगे लेकिन उड़ जाएंगे, एक पकड़ में आएगी। उसके सर पर देखना, पता नहीं कौन सी ऐसी चोट लगी हुई, बिल्कुल बाल नहीं है, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धैर्य से दोस्तों, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स का वीडियो मैं आपको डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वो भी फेसबुक पर। तो देखो ये वाला वीडियो देखना है आपको, ये देखो एक बार फिर से स्लो मोशन में मैं इसको दिखाता हूँ। और हमारे पास ये दो बुलबुल कैच हुई है, अब इनको निकालने की कोशिश करता हूँ, देखना एक तो भग जाएगी, एक पकड़ में आएगी, तो देखना दोस्तों लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आपके सामने ही मैं छोड़ दूंगा, आपके सामने ही उस पक्षी को वापस छोड़ दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। अभी निकालता हूँ बाहर और फिर आपको उसको बारीकी से फिल्माता हूँ, दिखाता हूँ। छोड़ दो।